झारखंड यूथ कांग्रेस 8 अक्टूबर को मिलन सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें यूथ कांग्रेस सभी पुराने कांग्रेसी नेताओं को पार्टी में एक्टिव करेगी। साथ ही ऐसे नेता जो पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए हैं, उन्हें घर वापसी कराई जाएगी। यूथ कांग्रेस के इस मिलन सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित प्रदेश अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के सभी पूर्व अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी गई है। दरअसल आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है, ताकि चुनाव में पार्टी बेहतर परिणाम ला सके। संगठन युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे छोटे भाई अभिजीत जी उपस्थित हैं, और आज का प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु यही है कि 8 अक्टूबर को रविवार रांची में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और ये सम्मेलन होगा जो यूथ कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी, जो जिला अध्यक्ष रहे हैं या प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी का एक सम्मेलन होगा। और सम्मेलन के माध्यम से ये एक विचार गोष्ठी के माध्यम से, ये कोई भाषण देने का सम्मेलन नहीं होगा, एक डायलॉग होगा, जिसमें परस्पर हम लोग कैसे यहाँ पे और मजबूत कर सकें कांग्रेस के जो हमारे विचारधारा है उसको, और कैसे मजबूती से लेकर हम लोग जनता तक पहुँचे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोगों का विचार किया जाएगा। बुखारो जिला कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के पद पर मदन मोहन महतो को किसान मोर्चा बुखारो का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस बाबत झामुमो के कार्यकर्ताओं ने किसान मोर्चा के अध्यक्ष को माला और बुके देकर बुखारो के नया मोड़ बिरसा चौक में स्वागत किया। मौके पर मदन मोहन महतो ने कहा कि कहीं वर्षा नहीं होने के कारण सुखाड़ घोषित किया गया है, तो कहीं किसान मजदूर बनते जा रहे हैं। इस पर प्रशासन और प्रबंधन से मिलकर किसानों का हक और अधिकार दिलाने का काम करूंगा। कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो के द्वारा अनुशंसित और केंद्रीय कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा मनोनीत किसान मोर्चा बोकारो जिला के अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरा बोकारो के झारखंड मुक्ति मोर्चा के टीम को और हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी को कि ये इस तरह का पोस्ट निकाले, कि बुद्धिजीवी मोर्चा निकाले जो पढ़े लिखे लोग जुड़े इसमें और अपने आने वाले जो भी भविष्य है उसको सुधार सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और हम लोग और कोशिश करेंगे, टीम का विस्तार करेंगे और जो भी जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको और मैसेज देने का कोशिश। हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार साहब बाबा का सालाना उर्से मुबारक के पहले दिन पुलिस लाइन से हर साल की तरह इस साल भी चादर पोसी की गई। इस मौके पर जिले के एसएसपी चंदन सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता, ग्रामीण एसपी मनीष टोप्पो सहित पुलिस लाइन के सार्जेंट और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सभी चादर लेकर पुलिस लाइन से निकले। जिले के एसपी ने इस दौरान लोगों से आपसी भाईचारे की अपील की और अमन चैन बना रहे इसकी कामना की। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी धर्म के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहें। दोस्ती और भाईचारे के साथ रहें, ये मेरा अपील है। और कभी भी अगर किसी धर्म के विरुद्ध में कोई शरारती तत्व तो कुछ भड़कीला बात, आपत्तिजनक बात बोल देता है, तो उसको लेकर बहुत उद्वेलित न हों, बल्कि कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। हर एक चीज़ का कानूनी रूप से इलाज संभव है। कभी भी उसको व्यक्तिगत तौर पर लेकर कोई हो हंगामा न करें, मेरी ये अपील है। सर, ये बहुत भीड़ भाड़ वाला पहले से एक सेट ड्रिल है, हर साल ये होता है। पुलिस का जो है इसमें ऑर्डर निकलता है किस तरह का डिप्लॉयमेंट होगा, और जो एक नई समस्या है फ्लाईओवर को लेकर, तो उसको लेकर भी हम लोग पर्याप्त पुलिस बल लगाएंगे ताकि कोई असुविधा ना हो। डीजे वगैरह को लेकर कोई निर्देश वगैरह? डीजे कानूनी रूप से प्रोहिबिटेड है, और हम जो है अपील करेंगे जो समिति के लोग हैं वो इसका उपयोग ना करें। दोस्ती और भाईचारे के साथ रहें, ये मेरा अपील है। और कभी भी अगर किसी धर्म के विरुद्ध में कोई शरारती तत्व तो कुछ भड़कीला बात, आपत्तिजनक बात बोल दे। सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।